प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस से 12 सीटों की मांग की है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है, जिसमें सपा ने अपनी भागीदारी को लेकर यह मांग रखी है। अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत इन सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बड़ा सियासी कदम उठाते हुए महाविकास अघाड़ी के साथ सीटों को लेकर चल रही बातचीत के बीच में ही सपा के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। सपा की लिस्ट के अनुसार शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रई शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी और मालेगांव से शाने हिंद को टिकट मिला है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव एक चरण में संपन्न होगा। 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाविकास अघाड़ी में MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया।